कांडपाल किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मेरी किचन में बन रहा है देसी काला चना। ये मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, आइए देखिए कैसे बनता है ये मसाला चना। कांडपाल किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ ये देखिए देसी चने मसालेदार। उत्तर भारत में ये नाश्ते के रूप में या शाम की चाय के रूप के लिए बहुत ये देखिए मैंने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल लोहे की कढ़ाई में गरम किया है। इसमें डालते हैं थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा, बड़ी हरी मिर्च, थोड़ी कटी हरी मिर्च, साथ में हींग, तड़का मेरा तैयार हो गया है। तो ये लंबे लच्छेदार प्याज, मैंने दो बड़े प्याज लिया है, इनको लंबे टुकड़ों में काट लिया है। जितना ज्यादा प्याज काटेंगे उतना स्वाद आएगा। ये देखिए प्याज मेरा तैयार हो गया है। इसमें डालते हैं ये चने डाल दिए मैंने, एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, जितनी जरूरत हो उतना नमक, थोड़ी कटी हुई अदरक, थोड़ा गरम मसाला और अमचूर पाउडर का प्रयोग हम तब करेंगे जब चने एकदम तैयार हो जाएंगे। जरा सा एक दो चम्मच टमाटर नरम होने के लिए पानी, बस इसको हम 10 मिनट ढक के पकाते हैं। मैंने इसमें लाल मिर्च का प्रयोग नहीं किया है, हरी मिर्च का प्रयोग किया है। यदि आप चाहें तो लाल मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसको 10 मिनट तक पकाते हैं। देखिए 6-7 मिनट हो गए हैं और चने भी काफ़ी नरम हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़े से टमाटर डालते हैं। टमाटर को हमें एकदम गलाना नहीं है, रंगत और स्वाद दोनों के लिए टमाटर डाला गया है। आइए 5 मिनट इसको और दम करते हैं। देखिए 10-12 मिनट हो गए करीब, हमारे चने एकदम तैयार हैं। गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए इतना सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, कुछ पत्तियां पुदीने की, उनको डाल के मिक्स करते हैं। पुदीने का स्वाद इसमें बहुत अच्छा लगता है। अमचूर गरम मसाला डाल के इसको दोबारा हम नहीं पकाएंगे, यूं ही मिक्स करके 5 मिनट के लिए दम करने के लिए रख देंगे इसको। 5 मिनट में ही इसकी खुशबू और खटास जो है पूरे चनों में आ जाएगी। बस सर्व करते समय इसमें धनिया डालिए और सर्व करिए। आपको ये विधि कैसी लगी ज़रूर बताएं और कांडपाल किचन में लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।